तरीके से 75,000 नौकरियां जो है वो आज दी जा रही है। कांग्रेस आरोप कर रही है कि 2 करोड़ नौकरियां देने का 5 साल का वादा था। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया और केंद्र सरकार में 10 लाख तरुणों को नौकरी देने का उन्होंने निर्णय लिया है, जिसमें से 75,000 तरुणों को आज नौकरी दी जा रही है। और इसके साथ साथ ये केवल सरकार की नौकरियां है, प्राइवेट सेक्टर में और अलग अलग सेक्टरों में जो रोजगार निर्माण हो रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, उसके आंकड़े भी बार बार सामने आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो पहल की है इसके चलते महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी ये निर्णय किया है कि हम लोग 75,000 करोड़ों को सरकार में नौकरी देंगे। 18,000 तो हम लोग पुलिस में दे रहे हैं, जिसकी एक एडवर्टीजमेंट आने वाले 5-7 दिनों में हम निकालेंगे। और मुझे लगता है कि हम लोग इस आने वाले 1 साल में 75,000 करोड़ों को हमारे महाराष्ट्र सरकार में नौकरियां देंगे।